मुर्दाबाद 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 आगरा प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलो बोलो बोलते रहो ऊपर पुलिस की तरह नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 जल्दी जल्दी आज हमारे घर चलो नारे लाते रहो आगे जेपी ले लो जेपी राजधानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी आगा प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिलाधिकारी मुर्दाबाद जिलाधिकारी मुर्दाबाद। ये विरोध कहें या ऐसे आप मान लो के जो अभी हाल ही में हमने सपना चौधरी का महिला शक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजन आगरा कॉलेज ग्राउंड में किया था, उस कार्यक्रम की अनुमति जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कुछ ही घंटों पहले उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया, जिसका कोई ठोस कारण अब तक प्रशासन ने हमें नहीं बता पाया। आज अभी हम लोग आगरा से बाहर थे तो हमें सूचना मिली कि आगरा में सपना चौधरी का कार्यक्रम होने जा रहा है। जब पूर्ण रूप से जानकारी हमारी हुई, मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई, एडीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब के यहाँ भी बात हुई, ये सपना चौधरी आगरा आ रही है, आप लोगों के यहाँ से अनुमति दी गई है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले होटल की भी मना कर दिया था कि इंडोर भी नहीं होगा और आउटडोर भी नहीं होगा जब तक कि मैं यहाँ पर आगरा में हूँ। तो आज जो सुनने में आया कि वो सपना चौधरी आगरा में आ रही हैं, मेरी उनसे बात भी हुई तो वो अभी राया वाया कहीं से क्रॉस कर रही हैं, अभी ऑन द वे हैं। तो कॉरपोरेट शो बताया जा रहा है कि कॉरपोरेट शो में वो आ रही हैं। तो मेरी प्रशासन को लेके बस यही डिमांड है कि आगरा के हम जो इवेंट मैनेजर्स हैं, हम लोगों को जो कार्यक्रम की अनुमति थी वो निरस्त कर दी गई, तो दिल्ली की इवेंट कंपनी, बाहर की इवेंट कंपनी आगरा में आके इवेंट कर सकती है, उनको परमिशन दी जा सकती है, तो आगरा की कंपनियों को क्यों नहीं।